हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर एमएल शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सभी कुदाकत या मलद्वार से संबंधित रोग पाइल्सी होते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मलद्वार से संबंधित कोई भी समस्या पाइल्सी हो। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति में गुदागत कोई भी परेशानी होती है तो वो उसे पाइल्सी समझ बैठता है और बिना क्लिनिकल चेकअप के दवाई खाता रहता है। जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि गुदागत सभी समस्याएं पाइल्सी हो सकता है कि वो फीसर हो, ये भी हो सकता है कि वो फिस्टुला हो, ये भी हो सकता है वो पीलोनिडल साइनस हो, या ये ना हो के इनमें से कोई ना हो के हो सकता है वो गुदागत कैंसर ही हो। इसलिए अगर गुदागत कोई भी समस्या हो तो रोगी को एक सर्जन या आयुर्वेद शास्त्र विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए, जिससे उस समस्या का कंफर्म डायग्नोस होके उचित इलाज किया जा सकता है और समस्या से पूर्ण रूप से निजात पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, हमारे वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।